आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम आपको लौनी के फायदे बताएंगे। लौनी का साग नौनिया, कुल्फा, जंगली, खुरपा आदि के नाम से मशहूर एक छोटी पत्ती वाला पौधा होता है, जो जून जुलाई के महीने में खेतों में, सड़कों के किनारे, खाली पड़ी जगहों पर जमता है। इसकी शाखाएँ लाल, पत्तियाँ छोटी छोटी और मांसल होती हैं। इसकी बड़ी वेराइटी कुल्फा के साग के नाम से बाजारों में मिलती है। लोग इसकी जंगली वैरायटी को खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। इसका मजा खट्टापन लिए हुए होता है। इसमें पालक से अधिक ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है और ये जून जुलाई से शुरू होकर नवंबर दिसंबर के महीने तक खूब मिलता है। गुर्दे की पथरी वाले लोगों के लिए हम बता रहे हैं कि ये इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, ये हम आपको चेतावनी भी दे रहे हैं। तो चलिए लौनी के फायदे विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले लौनी हड्डियों को मजबूत करती है। लौनी के पत्ते सेवन करने से मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती मिलती है। लौनी एक तरह से मल्टी विटामिन और मिनरल्स का रिच स्रोत माना जाता है। रक्त को बढ़ाता है और रक्त को साफ भी करता है। लौनी की सब्जी, सलाद, काढ़ा सेवन करने से रक्त तो बढ़ता ही है, साथ ही रक्त भी शुद्ध हो जाता है। लौनी त्वचा रक्त संबंधी विकार को दूर करने में मददगार होता है। दोस्तों, अगर किसी को पेशाब की जलन है तो लौनी के पत्तों के जूस का सेवन कीजिए। पेशाब में कैसा भी इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगा और आप इसके पत्ते साधारण रूप से भी चबा सकते हैं। वजन घटाने में भी लौनी बहुत सहायक होता है। तेजी से वजन घटाने के लिए लौनी के काले बीज गुनगुने पानी के साथ सेवन करना बहुत फायदेमंद होता है। लौनी के बीज शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने एवं कैलोरी बर्न करने में सहायक हैं। शीघ्र वजन घटाने के लिए 7 से 8 लौनी बीज गुनगुने पानी के साथ सेवन करने के बाद खूब वर्कआउट कर सकते हैं आप। तो दोस्तों, अगर आपको वजन घटाना है, रक्त को साफ करना है, पेशाब की जलन को मिटाना है और मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करना है तो लौनी खाइए। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है, जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।